बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को बीते कुछ दिनों पहले जमकर ट्रॉल किया गया फार्मर्स आंदोलन की वजह से। अब ऐसे में अपने परिवार से दूर बेटे सनी देओल, पत्नी हेमा मालिनी, बेटे बॉबी देओल, पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटियां ईशा, आहाना, अजेता, विजेता, इन सब को छोड़ धर्मेंद्र जो हैं रह रहे हैं लोनावला के अपने फार्म हाउस में, जहां उन्होंने ट्रॉलर्स को लेकर अपना दर्द छलकाया। जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनसे नाराज हैं, उनसे भी धर्मेंद्र प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। धर्मेंद्र ने कहा, नहीं चाहते जो उन्हें भी चाहूंगा, ऐसा ही हूं मैं, फितरत बदले नहीं बदलती, जीते रहो खुश रहो, ये कहा है धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र ने ये कहकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लोग जो हैं उन्हें भले क्रिटिसाइज करें, लेकिन वो हर किसी को उतना ही प्यार करेंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से बीजेपी में शामिल हेमा मालिनी और सनी देओल को लेकर धर्मेंद्र काफ़ी ट्रॉल हुए, लेकिन धर्मेंद्र ने जब ये लिखा तो फिर धर्मेंद्र को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें ट्रॉलर्स को भी सोच में डालते हुए देखा गया। और धर्मेंद्र जी के लिए इतना प्यार लोगों ने भेजा, कुछ टाइम पहले भी धर्मेंद्र को ट्रॉल किया गया था, उनके फिल्मी एक्टिंग को लोगों ने हमेशा पसंद किया गया, लेकिन फार्मर्स आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र की चुप्पी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके कारण धर्मेंद्र के लिए नाराज़गी सामने आई और इसलिए धर्मेंद्र काफ़ी ट्रॉल हुए। लेकिन धर्मेंद्र ने जब पोस्ट शेयर किया तो धर्मेंद्र को खुश रहने की सलाह दी गई। लोगों ने कहा कि आप हमेशा खुश रहें, धर्मेंद्र बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों का कहना है। ट्रॉलिंग के बाद धर्मेंद्र ने इस तरह से अपने दिल का हाल बयां किया। वैसे आपको मालूम होना हो, फार्मर्स आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र फिर भी ट्रॉल हुए। लोगों ने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, फार्मर्स हैं, लेकिन फार्मर्स की सपोर्ट में क्यों नहीं कहते आप कुछ? धर्मेंद्र को मुसीबत में यही सवाल डालते हैं, जिसके बाद धर्मेंद्र इस तरह से पोस्ट शेयर करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।